खुश राजकुमार। शहर से बहुत ऊपर एक ऊंचे खंबे पर खुश राजकुमार का एक पुतला था। वो सर से पांव तक पतले सोने के पत्तों से मढ़ा हुआ था। उसकी आंखों की जगह दो चमकदार नीलम थे और उसके तलवार के मूर पर बड़ा सा एक लाल चमकदार माणिक था। एक रात को एक छोटी सी चिड़िया शहर के ऊपर घूमने लगी। वो थकी हुई थी और उसे वो रात खुश राजकुमार के पैरों में बितानी थी। वो सोने ही वाली थी कि उतने में पानी का एक बूंद उस पर गिर गई। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि आसमान में कोई बादल नहीं थे। उसके बाद दूसरे पानी की बूंद भी उस पर गिरी। वो चिड़िया सोने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगी। इतने में तीसरी बूंद भी उस पर गिरी। उसने ऊपर देखा और समझ गई कि वो पानी खुश राजकुमार के आंखों से बह रहा था। उस चिड़िया को उस राजकुमार पर दया आई और उसने पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों रो रहे हैं? मैं भी एक मनुष्य था और एक भव्य महल में रहता था। मैं बहुत दयालु था, मेरा मन सच्चा था, मेरे साम्राज्य में कोई दुखी नहीं था और इसीलिए मेरे दरबारी मुझे खुश राजकुमार कहते थे। मेरे मृत्यु के बाद मुझे यहाँ एक ऊंचे खंबे पर बिठा दिया गया। मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, फिर भी मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूँ मेरे राज्य की दुर्दशा और दुखी हालत। आप तो बहुत दयालु हैं, लेकिन आप इस वक्त क्यों रो रहे हैं? बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में एक दर्जी का छोटा बच्चा बीमार है। वो रो रहा है क्योंकि उसकी माँ से खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रही है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। बच्चे की माँ उसे एक ही चीज दे रही है, पानी पास की नदी का, लेकिन उस छोटे बच्चे का पेट खाने के लिए तरस रहा है। लेकिन आप यहाँ से उसकी मदद कैसे करेंगे? मेरी तलवार की मुट्ठी से एक माणिक ले लो और उस गरीब औरत को देकर आओ। उस छोटी चिड़िया ने राजकुमार की आज्ञा मान ली और उसके बाद वो दर्जी के झोपड़ी की ओर उड़ने लगी और टेबल के ऊपर माणिक रख दिया। उस गरीब बच्चे को बीमारी से थोड़ी राहत मिले इसलिए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। जैसे ही वो उड़ गई, वो गरीब माँ चमकदार माणिक को अजीब नजरों से देखने लग गई। वो दोनों इस माणिक को देखकर बहुत खुश थे। जब चिड़िया वापस आई तब राजकुमार ने कहा, मुझे एक लेखक दिखाई दिया है, उसे बहुत ठंड लग रही है और वो बहुत भूखा है, फिर भी वो कहानी लिख रहा है, क्योंकि अगर उसने कहानी अधूरी छोड़ी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। प्यारी चिड़िया, कृपा करके तुम मेरी आंखों में से एक नीलम निकालकर उसकी मदद कर पाओगी? नहीं राजकुमार, मैं ये नहीं कर सकती। ये मेरी आज्ञा है प्यारी चिड़िया। उस चिड़िया को उसकी आंखों से नीलम निकालना अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी उसने उस उदार राजकुमार की आज्ञा मानी। इसलिए वो चिड़िया एक बार फिर, भले ही एक पल के लिए हो, लेकिन दूसरी बदनसीब आत्मा के जीवन में उसे मदद करने के लिए उड़ कर गई और उसने वो नीलम उस लेखक के टेबल पर रख दिया। उसने देखा कि ठंड की वजह से और बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से वो लेखक बेहोश होकर पड़ा था। इसके लिए उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उस लेखक के अग्नि कुंड को आग लगा दी। जैसे ही चिड़िया वहां से दूर गई, लेखक को जलते हुए आग की गर्मी मिली और वो धीरे धीरे उठ गया। उसने देखा कि उसके टेबल पर एक नीलम चमक रही थी और उसे मिलने के कारण वो बहुत खुश हो गया। उसने भगवान की शुक्रिया अदा की। उसके बाद फिर छोटी चिड़िया लौट गई। राजकुमार ने कहा, मुझे एक छोटी लड़की दिख गई है, उसके पास की सभी चीजें नाले में गिर गई हैं। वो बहुत घबराई है और कांप रही है, क्योंकि उसे पता है अगर वो खाली हाथ घर लौटी तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे। किंतु उसे देने के लिए आपके पास तो कुछ भी नहीं है राजकुमार। प्यारी चिड़िया, मेरे पास एक और आंख बची हुई है, कृपा करके वो उस लड़की को दे दो। नहीं राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो आप अंधे हो जाएंगे राजकुमार। मैं तुमसे विनती करता हूँ, किसी को मदद करने की ये मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा।
और तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, अपने सफर पर निकल सकती हो। राजकुमार के आज्ञा अनुसार उस चिड़िया ने बड़े बेमन से उसकी आंखों से दूसरा नीलम निकाला और चली गई। राजकुमार अंधा बन चुका था क्योंकि उसकी आंखों से दोनों नीलम निकल गए थे। त्याग की मूर्ति ऐसे पहचान रखने वाले उस पुतले के लिए उस चिड़िया ने यह आखिरी काम भी किया। उसने उस लड़की के हाथों में वो नीलम सौंप दिया और वापस लौटकर उसने राजकुमार से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी राजकुमार, मैं यहाँ आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त से आपकी आंखें बनूंगी। और वो चिड़िया रोज ये बताती रही हर दिन उस अजीब से दिखने वाले पुतले को कि लोग किस तरह से परेशान हैं। उस खुशकुमार राजकुमार की आज्ञा से चिड़िया हर रोज पुतले से कुछ न कुछ सोने के पत्ते निकालती और गरीब लोगों को जाकर उन्हें सहायता प्रदान करके आती ताकि वो गरीब लोग बेहतर जिंदगी गुजार सके। लेकिन अब पुतला बदसूरत और काला बन चुका था क्योंकि उसके ऊपर कोई सोने का परत बचा नहीं था। जल्दी ही सर्दी का मौसम आ गया और चिड़िया सर्दी के कारण ठिठुरने लग गई। इतनी ठंड में वो चिड़िया मरने वाली थी। उसने खुश राजकुमार की ओर छलांग लगाई और उसके माथे को चूम लिया। मैं आपसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हूँ राजकुमार। अच्छा, आखिर तुमने अपने अगले सफर का फैसला कर ही लिया मेरे छोटे दोस्त। मुझे तुम पर गर्व है। संभल कर जाओ मेरी छोटी दोस्त, संभल कर जाओ। नहीं राजकुमार, मेरी मौत बहुत करीब है और मेरी मौत निश्चित है, तभी तो मैंने आपके साथ रहने का फैसला किया। लेकिन उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं क्योंकि मुझे शांति और संतुष्टि मिली है। अचानक वो चिड़िया नीचे गिरने लगी। वो पुतले के पैरों में प्राण त्यागना चाहती थी क्योंकि उसके मन में राजकुमार के प्रति आदर थी। खुश राजकुमार बहुत देर तक उसके लिए रोता रहा और वो पुतला उस दर्द से दो टुकड़े में बट गया। यही उसका अंतिम था। मेयर ने उस पुतले को नीचे उतारने की आज्ञा दी क्योंकि ना तो वो सुंदर था और ना ही उसका कोई उपयोग था। लेकिन वो टूटा हुआ दिल भट्टी के आग में बिल्कुल भी नहीं पिघला, इसीलिए उसे दूर फेंक दिया गया उसी कचरे के ढेर में जहां पर वो बेचारी चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। फिर ये सब देखने के बाद भगवान ने अपने द्वारा निर्मित दूतों को उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां भेज दिया और उन्होंने दूतों से कहा, पृथ्वी पर स्थित मेरे द्वारा निर्मित दो अनमोल चीजें मुझे ला कर दो। जी भगवान जी। अब वो स्वर्ग के दूत उस कचरे के ढेर के पास आए जहां वो बेचारी चिड़िया मरी पड़ी थी और खुश राजकुमार का दिल भी था। उन दूतों ने झट से वो ऊपर उठाया और अब वहां सिर्फ कचरा ही बचा हुआ था। हे हमारे स्वर्ग के पिता, आपके पृथ्वी पर हमें ये दोनों अनमोल चीजें मिल गई है। खुश राजकुमार का दिल, अमृत चिड़िया, ये दो अनमोल चीजों को चुनने के लिए भगवान ने दूतों की प्रशंसा की और उन्होंने कहा, अब ये चिड़िया यहाँ मेरे बगीचे में रहेगी और राजकुमार भी यही रहेगा और दोनों मेरे सुंदर स्वर्ग का उपभोग लेंगे। और अब जब कभी वो चिड़िया और खुश राजकुमार पृथ्वी में दुख देखेंगे तब उनके आंसू आकाश से नीचे गिरेंगे जिसके कारण बादलों से बारिश होगी। कहानी समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!